हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, क्योंकि मैं हूँ अभी एलएपी में। और यहाँ का जो मेरा रूम है वो इतना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो मैं आपको एक बार इसका रूम टूर देती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। ये हमारा मेन रूम हो गया। ये देखिए, यहाँ पे है एक छोटा सा सोफा है, ये देखिए, ये बेड है मेरा बेड। यहाँ पे टीवी लगा है, यहाँ पे टी एरिया है, ये देखिए। अभी और आगे चलिए मेरे साथ। ये सूटकेस रखने के लिए, और ये हमारा वार्डरोब है, ये देखिए, ये पूरा एकदम। और ये है हमारा वॉशरूम, ये देखिए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो एक बहुत बेसिक सा रूम टूर है, इसमें क्या देखना है और क्या दिखाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका जो सीलिंग है और जो फ्लोर है, ये दोनों वुडन का है। आप देखिएगा, ये इसकी सीलिंग है, ये पूरी वुडन की है, ये देखिए। और ये फ्लोरिंग पूरी वुडन की है। इसकी जो स्पेशल बात जो मैं बोल रही थी वो ये थी कि ये पूरा वुडन बेस्ड है। सो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी इसका एक रूम टूर दूँ। ये हम लोग नाइट में कैरम एंजॉय कर रहे थे डिनर के बाद सब फ्रेंड्स के साथ, जिसमें आप अभी ये देखिएगा क्लिप में, ये हम लोगों की विनिंग क्लिप थी। हम जीत चुके थे और इसकी एक्साइटमेंट देखिए आपकी, मुझे कितनी खुशी थी इसमें। ये देखिए, लाइक मतलब डांस ही कर रही थी मैं लिटरली। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी बोट राइड जर्नी। हमने 700 रुपीज़ में 3 आवर्स के लिए बोट लिया था, शिकारा राइड था ये। और इसमें उन्होंने हमें पूरा शिकारा लेक घुमाया था, सारी चीज़ें घुमाई थी, आसपास की जो सिटी है वो दिखाई थी। वहाँ पे कोई बाइक्स नहीं थी, कोई कार्स नहीं थी, सब लोग जो हैं वो बोट से ही जाते थे और बोट से ही आते थे। चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हो या कहीं भी जाना हो तो आप बोट से ही जाते थे। मतलब बोट बस टाइप भी हमने देखी थी, और अलग अलग तरह की बोट्स थी सारी हमने देखी। और वहाँ पे कैसा क्या रहता है, मतलब अगर कोई फैमिली आ रही है तो बोट कैसी होगी, अगर सिंगल कपल आ रहा है तो कैसी होगी, ये सारी चीज़ें। ये वाली जो बोट है ये हमारी बोट थी, जिसमें हम लोग ने 3 आवर्स 700 रुपीज़ में लिए थे। ये भी काफ़ी अच्छी थी, सारी चीज़ें जो हमारे जो अंकल थे उन्होंने सब चीज़ हमको अच्छे से समझाई थी। ये देखिए, आप आगे देखते जाइए कि सब कितना ब्यूटीफुल सीनरी लगेगा यहाँ पे सारा कुछ। सो केरला ट्रिप का हमारा एलएपी लास्ट स्टॉप था। एलएपी को वेनिस ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, ये जो मैं बोल रही थी अलग अलग टाइप की बोट्स खड़ी हुई है यहाँ पे, आपकी एज पर फैमिली रिक्वायरमेंट्स आप ये बोट हायर कर सकते हैं। ये हम बोट राइड के टाइम पे एक जगह पे रुके थे, वहीं पे ही बोट क्रॉस करके वहाँ पे हमको ये ईगल भी दिखा था, काफ़ी फ्रेंडली था ये। ये बोट राइड के बाद हम लोग आ गए थे एलएपी बीच। हम लोग अंदर बीच तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि हाई टाइड हो चुका था, तो काफ़ी रिस्की था। हमने बाहर से ही 10-20 मिनट्स इंजॉय किया था यहाँ पे। इसकी भी जो लोकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वहाँ जाके ये इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बीच था, क्लीन था, और मतलब अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा खाने का इशू आएगा वहाँ पर। अब मैं आपको हमारे स्टे की डिटेल्स देती हूँ। ये है पलोमा बैकवाटर रिजॉर्ट। ये एलएपी से 14 किलोमीटर्स दूर था, पूरा बैकवाटर पे सिचुएटेड था ये रिजॉर्ट, काफ़ी अच्छा था। आप देखिए ये सारी चीज़ें, ये अर्ली मॉर्निंग के शॉट्स थे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये आज हमारा सुबह का व्यू इतना सुंदर। ये है बैकवाटर और ये इधर हमारे व्यू के जस्ट सामने है।
ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है, लोटस भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लग रहा है ना एकदम मैस्मराइजिंग। यहाँ की तो लिटरली वाइब्स ही इतनी अलग थी कि मेरी तो यहाँ से आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अपन एक दिन का स्टे यहाँ पे और बढ़ा लेते, बट हमारे टिकट्स बुक थे इसलिए हम वो चीज़ नहीं कर पाए। बट ये बहुत हमने ब्यूटीफुल अर्ली जगह मॉर्निंग थी, पूल में मस्ट एंजॉय किया था। रिकमेंडेड है सेवन ओ ये। क्लॉक टू इवनिंग 7 o'clock आप पूल एक्सेस कर सकते हो मॉर्निंग टू इवनिंग। तो हम लोग सुबह 7:30 आ गए थे क्योंकि मुझे तो पानी बहुत पसंद है। सो ये मैंने बहुत एंजॉय किया। आप ये व्यू देखिए कि इधर स्विमिंग पूल है और पीछे पूरा पैक वाटर है, कितना प्यारा लग रहा है ये सब। मतलब मुझे तो ऐसा मजा ही आ गया था ये सारी चीजें देख के, मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है गाइस। मतलब लिटरली व्हाट एन एक्सपीरियंस। ये हम लोग उधर गए थे बैक वाटर एरिया में, जब हम लोग निकल रहे थे ये उसी वक्त का टाइम था, मतलब जब हम चेकआउट कर रहे थे उस वक्त का था ये। ये हम लोग ने रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट लिया, फिर उसके बाद हमने चेकआउट कर दिया था क्योंकि हमारी कोची से ट्रेन थी 2 बजे की, तो कोची टू एलेपी 4 आवर्स का रास्ता था। ओके गाइस, तो मैंने सारी जो डिटेल्स है वो मैंने मेरे इस वीडियो में कवर करी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। शिकारा राइड लेने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बोट स्टे भी ले सकते हो और बोट राइड करके उसको कंप्लीट भी कर सकते हो। सो हमने बोट राइड लिया था, बोट में स्टे नहीं लिया था क्योंकि बैक वाटर स्मेल का थोड़ा इशू हो सकता था, तो इसलिए हमने रिजॉर्ट में स्टे लिया था, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे रिजॉर्ट का नाम था पलोमा रिजॉर्ट। हमने वहाँ पे उस चीज़ का स्टे लिया था और वो एक ही दिन का स्टे था। मतलब इतना सुंदर रिजॉर्ट था, इतनी प्यारी वाइब्स आ रही थी ना वहाँ पे, और नाइट में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अर्ली मॉर्निंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे उसके बाद के जो सीन्स आपने वीडियो में देखे होंगे, कितने मेस्मराइजिंग लग रहे थे। आई थिंक आपको भी वो पसंद आएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा पूरा की पूरा। ओके गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और जितनी भी इन्फॉर्मेशन देनी मैंने दी है इसमें आपकी उससे थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी डेफिनेटली। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके मुझे इसमें सपोर्ट कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही अगले ब्लॉग में, बाय।